जय हो राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। जय हो मेरी राधा रानी की, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय हो मेरी राधा रानी की, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। सभी भक्तों को श्री जी के महल से दिव्य लाइव दर्शन जो आपको नित्य प्रति हमारे पेज से प्राप्त होते हैं, जिसमें कि आप हमारे श्री जी के महल से श्री जी की दहलीज पर श्री राधा रानी की चौखट पर दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप सभी को मेरी राधा रानी परिवार को श्री जी के महल से प्यार भरी राधे राधे। और आप सभी भक्त श्री जी की दहलीज पर मत्था टेकिएगा। और अभी यहाँ चौखट पूजा हुई, भक्तों ने चौखट पूजा की और खूब आनंद आया, तो आप सभी को श्री जी के महल से श्री जी की दिव्य चौखट से राधे राधे। और सबसे पहले आज हम विशाल जी का जन्मदिन है, तो हम श्री जी के चरणों में श्री जी की चौखट पर हाजिरी लगाते हैं और पिंकी जी हैं जो कि दिल्ली से हैं, उनकी 25वीं सालगिरह है, तो हम उनकी भी हाजिरी श्री जी की दहलीज पर लगाकर उनके दिन को मंगलमय बनाते हैं। और आज जिनका जो प्रोग्राम है, आज 56 भोग फूल बंगला और श्री जी की दहलीज जो पूजन किया है, उनकी भी आज 25वीं सालगिरह है, शादी की 25वीं सालगिरह है, तो उन्होंने अपने सालगिरह श्री जी की चौखट पर श्री जी के महलों में श्री जी का 56 भोग कराया। तो आप सभी सबसे पहले श्री जी के महलों में श्री जी की दिव्य चौखट पर श्री जी की दिव्य चौखट पर मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए। और अभी हम आपका मत्था श्री जी की चौखट पर लगवाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए लाइव में। और ये मैंने एक नंबर पिन किया हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास सूचना है मैंने उसके रिगार्डिंग इस नंबर को पिन किया है। तो सभी को प्यार भरी राधे राधे। यहाँ आप सभी सबसे पहले तो श्री जी की दहलीज पर मत्था टेकिए। देखिए बहुत ही सुंदर महक श्री जी की इस चौखट पर आ रही है, क्योंकि यहाँ अभी पितृ की मालिश हुई। और देखिए यहाँ चंदन की भी सेवा हुई है, देख सकते हैं येलो कलर का जो लगा है वो चंदन सेवा हुई और पितृ की सेवा हुई। देखिए महक बरकरार है, आपको भी शायद मानसिक रूप से आपको भी आ रही होगी। गुलाब की पत्तियों के साथ श्री जी की चौखट पूजन हुआ, पुजारी जी ने दिव्यता से इस चौखट पूजन को संपूर्ण कराया और उन्हें उस दंपत्ति को जिसकी आज 25वीं सालगिरह थी, उन्हें अपने जीवन का सबसे हसीन पल लगा श्री जी की चौखट पर। क्योंकि कहते हैं तेरे दर पर आने से पहले बड़े कमज़ोर होते हैं लाडली जू, और तुम्हारी दहलीज को छूते ही कुछ और होते हैं। यहाँ तो उन्होंने दहलीज पर अपना मत्था टेका और चौखट पूजन किया, तो सच में
बहुत आनंद आया। अब भी यहाँ मत्था टेकिए और हाजिरी लगाइए अपनी श्री जी के चरणों में, और आप भी यही कहते रहिए कि राधा रानी हम सभी पर कृपा करें और हम भी आपकी दहलीज पर अपना मत्था टेकने के लिए आएँ। अभी तो हम मानसिक रूप से टेक रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा अगर हो जाए तो हम आपके दर्शन भी करेंगे और आपकी दहलीज पर मत्था भी टेकेंगे। तो आप श्री जी से ये हाजिरी लगाइए और कामना कीजिए कि राधा रानी आपको जल्द से जल्द बरसाना बुलाए। और आज श्री जी के महल में बहुत ही दिव्य फूल बंगला 56 भोग बना है, और आज के दिन एक तुलसी माता को ठाकुर जी के बिल्कुल बराबर में रखा है। तुलसी माता को ठाकुर जी के बिल्कुल जो बराबर में रखा है, जो मैं आपको जो दर्शन कराता था, आज तुलसी माता को एक दुपट्टा ठाकुर जी की जैसे फेरे लेते हैं उस तरह से, जैसे तुलसी माता को ठाकुर जी के साथ एक दुपट्टे से बांधा गया है। मैं आपको उस तुलसी माता के दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन आपको नहीं होंगे, क्योंकि श्री जी के दर्शन जी चलिए कोई नहीं, आगे से मत लिखा, फोटो अपने दिल में बसाइए, कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ फ़ोन में अगर लोगे तो कई सारी आपको एप्लीकेशन खोलने पड़ेंगे, कैमरा खोलना पड़ेगा, गैलरी खोलनी पड़ेगी, पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, तब जाकर ठाकुर जी के दर्शन होंगे। लेकिन एक बार हृदय में बसा लिया तो सिर्फ एक सेकंड के लिए आँख बंद करके ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो बस यही, माफ़ी कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन आगे से याद रखना कि कभी ठाकुर जी का फोटो मत खींचना, हृदय में बसाइए और राधे राधे बोलते रहिए। कोई बात नहीं, ठीक है आदमी, कोई बात नहीं, राधे साहब वहाँ से लीजिए। देखिए अभी भैया ने एक फ़ोटो खींचा तो माफ़ी मांगने के लिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, डिलीट कर दिया, लेकिन आप भी बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खींचेगा। यहाँ आप श्री जी के महल से दर्शन कीजिए। आज मौसम बहुत ही ठंडा मौसम है, इसलिए हमारी भी शॉल निकल चुकी है, और श्री जी के दिव्य फूल बंगले के दर्शन आप भी करिएगा। सबसे पहले जहां आप तुलसी माता और गौ माता के दर्शन कीजिए और अपने दिन की शुरुआत श्री जी के महल से कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तों को यह श्री जी के महलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय हो गौ माता। ये हमारे श्री जी के महल की सबसे प्यारी गौ माता है, आप इनके भी दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करिए। और श्री जी के महल में आज भी कोई बात ना है तो मैंने मना थोड़ी करी। अच्छा कोई बात, भैया ये फोटो नहीं भैया, यहाँ सभी भक्त श्री जी के महल में दर्शन कर रहे हैं और अपनी हाजिरी श्री जी को लगा रहे हैं, और यहाँ भी भक्त श्री जी के महल की जो गौ माता है यहाँ मत्था टेकते हैं और अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाते हैं।
नहीं भरोसा रहा लाडली। ये हाँ श्री जी के महल से अभिषेक का जल मिलता है, आप आइए और ज़रूर यहाँ से श्री जी के अभिषेक का जल लिया करिए। और ये श्री जी के महल के दिव्य 56 भोग के दर्शन कीजिए। और श्री जी के महल की ये ललिता सखी कि आपको जो दर्शन हो रहे हैं, और ये हमारी तुलसी माता के भी दर्शन कीजिए जो कि दुपट्टे से ठाकुर जी की ओर दुपट्टा जो जा रहा है, और बहुत ही सुंदर दिव्य श्रृंगार के दर्शन कीजिए। जय हो ललिता सखी की जय हो। ये हमारी विशाखा सखी की आप जो दर्शन कर रहे हैं, और श्री राधा रानी से अर्जी लगाइए कि राधा रानी हमें इतनी शक्ति दे कि जिससे हमें बिहारी जी की भक्ति प्राप्त हो। तो आज जिनका जन्मदिन है विशाल जी, उनके लिए भी हमने श्री जी के चरणों में हाजिर लगाई, और पिंकी जी जिनकी 25वीं सालगिरह है उन पर भी हम यही कामना करते हैं श्री जी की खूब कृपा हो, खूब भक्ति बनी रहे उनके जीवन में। और आज श्री जी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा कंबल ब्लैंकेट जो श्री जी ने ओढ़ रखा है वो एक रेड कलर का ब्लैंकेट है आज, क्योंकि आज ठंड बहुत है इसलिए श्री जी को उस ब्लैंकेट के साथ श्री जी का श्रृंगार किया गया। ये हमारी श्री जी की मनमोहक छवि के दर्शन कीजिए। जय हो लाडली लाल की जय हो, लाडली लाल की जय हो। वीडियो को आप शेयर करते रहिए ताकि सभी भक्तों को हमारे लाइव से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। और जो कई भक्तों की मेरे पास कमेंट थे, क्योंकि कल मैंने जो नंबर था आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने आपको नंबर भी शेयर किया, ताकि जो भी भक्त मुझे अगर कुछ भी पूछना चाहें मुझसे, अगर जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उनका जवाब मैसेज के ज़रिए, मैंने एक व्हाट्सएप सभी भक्तों के लिए कल पिन भी किया था 90 से लेके जो था। तो अगर आप, कई लोगों के मेरे पास मैसेज थे कि भैया जो हम से मेरी राधा रानी की शिखर पर ध्वजा की जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम किस नंबर पर वह जो सेवा है वो कर सकते हैं, तो जैसे आपने पहले जो सेवा की थी जो नीरज जी हैं उनके जो नंबर पर जो सेवा की थी फ़ोन पे और गूगल पे के ज़रिए सेवा करी, अब वहाँ वो सेवा कर सकते हैं। और श्री जी के नित नई सेवाओं का आप सभी आनंद ले सकते हैं। और देखिए हम पहुँच चुके हैं श्री जी के इस दिव्य फूल बंगले के बिल्कुल पीछे की ओर। यहाँ से हम आपकी जो हाजिरी है वो साक्षात श्री जी के चरणों में लगवाएंगे। और देखिए ये श्री जी के महल का दिव्य फूल बंगला। तो आप सभी मेरी राधा रानी बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए। भावना जी, राधा रानी आप पर खूब कृपा करें। और उसके बाद हर्षिता जी, राधा रानी आप पर भी खूब कृपा करें, आप भी श्री जी से जुड़ी रहें। और देखिए श्री जी की जो भक्ति के जो भक्त हैं वो बहुत ही सहज है। कृष्ण भैया आप पर भी श्री राधा रानी की खूब कृपा हो। रितिका शर्मा जी जो कि हमारे हर वीडियो को लाइव के जरिए फ़ोटो में कैप्चर करती हैं, और फिर हमारे ग्रुप में निया जी और रितिका जी ये दोनों हमेशा हमारे लाइव के वीडियो और फोटो को कैप्चर करके सभी को दर्शन कराती हैं। तो ये भी हमारे परिवार के भक्तों तक यह सेवा करती हैं, ताकि सभी को जो भी पल जो मोमेंट है मिस हो जाते हैं वो फ़ोटो के ज़रिए सभी को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम इनके लिए श्री जी के चरणों में स्पेशली हाजिरी लगाते हैं। राधा रानी इन पर खूब कृपा करें, और आप भी ऐसे ही सेवा करते रहिए और जुड़े रहिए राधा रानी से।
और फेसबुक पेज मेरी राधा रानी से। तो चलिए आप सभी यहाँ श्री जी के सिंहासन पर अपनी हाजिरी लगाइए। डॉली शर्मा जी, पंकिल शर्मा जी, और श्री राधा रानी से अर्जी लगाइए कि राधा रानी हम पर कृपा करें और कृपा बनी रहे। यहीं से अपने मानसिक रूप से श्री जी के सिंहासन पर अपनी हाजिरी लगाकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। नीरज सिल्की जी, आप पर खूब कृपा हो, जोड़ी बनी रहे आपकी। निशा राजपूत जी, राधे राधे। और ऐसे ही श्री जी आप पर खूब कृपा करें, भक्ति बनी रहे। और यहाँ से देखिए इस सुंदर स्वरूप को देखिए, यहाँ हमारी श्री राधा रानी सेज पर कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा जी सो रही हैं कुसुम सेज पर, और ठाकुर जी चरण दबाने के लिए ललिता सखी से आज्ञा मांग रहे हैं। तरुण जी पर श्री जी की खूब कृपा हो। और देखिए यहाँ जो भक्त मेरी राधा रानी कमेंट करता रहेगा, सबकी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगी रहेगी। देखिए यहाँ हम श्री जी के इस दिव्य कंबल के जो आप दर्शन आया, श्री जी ने रेड कलर का कंबल पहन रखा है। बहुत ठंड है इसलिए श्री जी को भी ठंड लगती है, तो उन्हें यह कंबल उड़ाया गया और रेड कलर की पोशाक श्री जी ने धारण कर रखी है। और यहाँ से आप महल के बाहर के नज़ारे का आनंद लीजिए। बाहर श्री जी के महल में मौसम की वजह से भक्तों की थोड़ी कम भीड़ है। अभी मौसम खुल रहा है, भक्त आना स्टार्ट होंगे, लेकिन मंगला में बहुत भीड़ थी। मौसम बिगड़ा हुआ फिर भी भक्तों ने श्री जी के महल के दर्शन किए। और नित्य प्रति जो मंगला आरती का जो टाइमिंग है वो अभी 6:45 का है। 6:45 श्री जी की मंगला आरती होती है। और आप भी श्री जी के महल की मंगला आरती का आनंद लीजिए और बरसाना आइए। बरसाना वो पावन भूमि है, वो रसिक जनों की भूमि है जहाँ आनंद बरसता रहता है। देखिए श्री जी के महलों में ये भी मोर कबूतर भी पक्षी भी श्री जी के दर्शन करते हैं। ये भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि श्री जी के महलों में श्री जी के दर्शन के लिए यहाँ घूमते रहते हैं। ये कोई पिछले कर्मों के आपके जो हैं जो इन्हें श्री जी के महलों में, अगर पक्षी में भी मिले वो भी श्री जी के महलों के मिले तो बहुत बड़ी कृपा है। श्री जी के महलों में बिल्लियां भी रहती हैं जो श्री जी के सिंहासन के इधर उधर घूमती रहती हैं। श्री जी सुन रही है, बिल्कुल श्री जी आपके भाव को सुन रही है राधा रानी। और चलिए हम चलते हैं बाहर की ओर। और राधा रानी आप पर ऐसे ही कृपा करती रहें और आप सभी भक्त वीडियो को शेयर करते रहें और राधे राधे बोलते रहें। ये हमारे महल में गौ माता और तुलसी माता के आप सभी यहाँ दर्शन कीजिए और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता। आज क्या है कि आज तुलसी विवाह जो श्री जी के महल में आज किया गया, एकादशी कल मनाई गई, लेकिन आज
तुलसी विवाह आज मनाया गया, क्योंकि तुलसी जी को ठाकुर जी के साथ एक पल्लू की तरह बांधा गया। तो आज सभी तुलसी माता के दर्शन कीजिए और अपनी हाजिरी लगाइए। जय जय श्री राधे, बोल राधा रानी की जय हो। और नित्य विधि आप हमारे लाइव को शेयर करते हैं, राधे राधे बोलते रहते हैं और श्री जी का नाम सभी भक्तों तक पहुंचाते हैं। हम पहुंच चुके हैं श्री जी के महल के मुख्य द्वार की ओर, देख सकते हैं महल का जो नज़ारा है। यहाँ भी मौसम अभी खुला हुआ है, सुबह बारिश हुई, बहुत फॉग था, कोहरा था, इस वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दिया। हमारा जो सुबह का लाइव सेशन था वो फेसबुक के ज़रिए था, वहाँ हमने सखियों के दर्शन, श्री जी के सिंहासन के दर्शन कराए और आपने खूब आनंद लिया। और ये हमारे श्री जी के महल का संपूर्ण नज़ारा, और भी भक्त ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए और श्री जी की लीलाओं का आनंद लेते रहिए। तो यही बात आपसे पहले फिर से कह रहा हूँ कि ध्वजा के लिए जो हमारे ग्रुप का जो नंबर है, आप सभी पहले तो हमारे ग्रुप में शामिल हो ही गए हैं, जो भी अगर नहीं हुआ है तो हमारे ग्रुप में अवश्य शामिल हों ताकि आप सभी को हमारे लाइव के नोटिफिकेशन आ सके। देखिए मैं एक नज़ारा, एक भक्तों का भाव आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये भक्त, देखिए ये पूरी सीढ़ियों से इसी तरह से श्री जी के महलों में, महलों में श्री जी के महलों तक आ रही है। ये पूरी सीढ़ियों तक, सीढ़ियों से श्री जी के महलों तक श्री जी से अरदास कर रही है। लेकिन देखिए श्री जी इस तरह आने के लिए नहीं कहती, देखिए ये भक्त भी श्री जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप भी आइए, आप भी आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। आप भी जब ये भक्त आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो हमारा, एट टू एट सेवन टू एट नाइन फाइव एट सिक्स। देखिए ये हमें अभी नहीं पता कि ये अपनी श्री जी से मनोकामना के लिए पूरे महलों की सीढ़ियों पर घुटने से ऊपर तक आ रही हैं। राधारानी जरूर इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए, वहाँ वह ग्रुप जो टाइमिंग है वो भी आपको पता ही होगी, क्योंकि ये बहुत भक्त जुड़े हुए हैं। हमारा दूसरा, पहला ग्रुप का जो ब्रॉडकास्ट वो है कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने दूसरा जो बनाया है वहाँ भी आप अवश्य जुड़िए। नंबर है 8287289586। यहाँ आप इस ग्रुप में अपना नाम भेजिए और ग्रुप में शामिल हो जाइए। और जो हमारे परिवार में जो ध्वजा के लिए जो हमने एक सेवा रखी थी, वो हम पूरे महलों में ध्वजा लगवाएंगे और एक ध्वजा हमारी यहाँ भी होगी, एक ध्वजा परिवार की श्री जी की सफ़ेद छतरी में भी होगी।
सफेद छतरी के ऊपर मेरी राधा रानी की हम सभी परिवार के भक्तों की ध्वजा होगी। तो आप सभी को जो भी सेवा ध्वजा के लिए सेवा करनी है तो मैं आपको नंबर पिन करता हूँ, क्योंकि देखिए आप सभी भक्त सेवा कर सकते हैं। मैं आपको जो नंबर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए इस इन भक्तों को भी देखिए, आप जो नंबर है इस नंबर पर अपनी सेवा ध्वजा वाली वो कर सकते हैं। जो फ़ोन पे और गूगल पे नंबर है 8284944607, और जो ग्रुप का नंबर था वो भी मैंने आपको बताया था। ये फ़ोन पे और गूगल पे नंबर है, यहाँ आप जो भी सेवा ध्वजा के लिए ओनली फॉर ध्वजा के लिए आप ये इस नंबर पर सेवा डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ से श्री जी के महल से संपूर्ण बरसाना कितना प्यारा लगता है, संपूर्ण बरसाना कितना प्यारा लगता है। और यहाँ आप श्री जी के महल कि इस दिव्य यहाँ भी दर्शन कीजिए। एक बार ऐसा माना गया था कि श्री जी को यहाँ से दर्शन कराए जाएं, इसलिए यह बनवाया गया और उसके बाद यहाँ कभी श्री जी आई नहीं। और देखिए यहाँ से श्री जी के महल से संपूर्ण बरसाना धाम के दर्शन कीजिए। और देखिए श्री जी के महल की ये दिव्य जे शिखर हैं एक, और ये दूसरी जो शिखर है ये वाली शिखर, यहाँ श्री जी सबसे ज़्यादा रही हैं, सबसे ज़्यादा श्री जी इसी शिखर पर श्री जी ने दर्शन दिए। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा रानी सबसे पहले यहीं रहीं, झोंपड़ी में। हमारे स्वामी जी ने यहाँ इसी स्थान पर झोंपड़ी में सेवा करी। जब झोंपड़ी में सेवा करी स्वामी जी महाराज की, उसके बाद जो श्री जी का शयन कक्ष है श्री जी को वहाँ सेवा करी गई। फिर उसके बाद लखा बंजारा जो मैंने पहले भी बताया, वो जब श्री जी के महलों में आए तब उसके बाद श्री जी का वो पुराना मंदिर बनवाया गया। जो व्हाट्सएप नंबर है जो ग्रुप के लिए जो है वो नंबर है हमारा 8287 8287 289586। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है आप यहाँ इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। और ध्वजा के लिए जो मैंने नंबर डाला हुआ है, पिन किया हुआ है ध्वजा के लिए 8284944607, यहाँ। और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम लाइव के सभी नोटिफिकेशन का आनंद ले सकते हैं। और भी हमारी जो महलों की जो पोस्ट है उसका भी हम आनंद ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर 8287289586, इस नंबर पर अपना नाम और जहां से भी आप हो वो डालकर सेंड कीजिए, और फिर ग्रुप में हमारे साथ जुड़िए और हमारे लाइव के नोटिफिकेशन और भी लीलाओं का आप आनंद लीजिए। जो भी हमारे अपकमिंग प्रोग्राम होंगे वो भी हम ग्रुप के माध्यम से आपको शेयर करते रहेंगे। तो चलिए सभी को श्री जी के महल से प्यार भरी राधे राधे, और आप बने रहिए हमारे साथ। और जो ध्वजा हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं,
हम पहले ध्वजा का पूजन करवाएंगे। पूजन करने के बाद श्री जी के सभी शिखरों पर परिवार की तरफ से मानसिक रूप से हम ध्वजा को लगवाएंगे और फिर उसके बाद हम दर्शन करेंगे श्री जी के महलों की ध्वजाओं के। और आप भी ऐसे ही हमारे साथ मिलकर जुड़कर और सभी भक्तों को शेयर कर आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। यहाँ से मैं आपको एक बार श्री जी के सखियों के दर्शन करा देता हूँ। जय हो मेरी राधा रानी की। आप यहाँ से श्री जी के महल से दिव्य फूल बंगले के भी दर्शन कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों को श्री जी के महल से राधे राधे बोलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। और आप यहाँ देखिए, मैंने पहले कहा कि यहाँ विशाखा सखी के बराबर में तुलसी माता को रखा गया है और तुलसी माता के साथ ठाकुर जी को एक दुपट्टे के साथ बांधा गया है, क्योंकि आज तुलसी बाबा है तो यहाँ पीला दुपट्टा जो ठाकुर जी की तरफ जो जा रहा है वही दुपट्टा तुलसी माता के ऊपर लगाया गया है। तो यहाँ आप ललिता सखी के दर्शन कीजिए और वहाँ आप विशाखा सखी के दर्शन कीजिए। जय हो मेरी राधा रानी की, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। और जो नंबर है, आप इस नंबर पर फोन पे और गूगल पे के जरिए ध्वजा के लिए आप सेवा में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। और ये हमारे सभी भोग राग सेवा हैं और ये हमारी ललिता सखी के आप दर्शन कीजिए और सभी को दिल से प्यार भरी राधे राधे। और यहाँ आप एक राधे तुम घनश्याम की, प्रीतम अपरम पार, कृपा करो मातेश्वरी हो चरणों में प्यार, सिराधे अलवेली सरकार, सिराधे अलवेली सरकार। जय हो राधा रानी की, श्यामा प्यारी की जय जयकार हो, सभी को प्यार भरी राधे राधे। आप सभी हमारे लाइव में ऐसे ही जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, जय जयकार हो, राधे राधे, जय जय श्री राधे।